मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन इसे क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। और गाइस गुड मॉर्निंग, इस समय हो रहा है 10:30 बज रहा है और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। जैसे कि मैंने बताया था पहले कि 26 मार्च को मुझे डॉक्टर को दिखाना है और 26 मार्च आज है, तो गाइस मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने और बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे और मेरा जो है ना पहला नंबर है, तो 11 बजे से पहले डॉक्टर बैठती ही नहीं है और 10:30 बज रहा है, पहुँच जाएंगे 11:15 तक, पर्चा वगैरह बना के 11 बज जाएगा, डॉक्टर को दिखाएंगे। तो गाइस मैंने सोचा कि लो जो है ना मॉर्निंग से ही ब्लॉग चालू कर देते हैं, तो गाइस यही सब चल रहा है और मैं अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने, देखते हैं डॉक्टर क्या कहती है, रिपोर्ट में क्या निकलता है। डर तो बहुत लग रहा है लेकिन सब ठीक ही होगा, चलते हैं गाइस फिर मिलते हैं जब डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे और या तो फिर जब घर आ जाएंगे तब। तब तक के लिए बाय। गाइज हम डॉक्टर को दिखा के आ गए, अब जा कर के मतलब कि 11 बजे से गए हुए 1 बज रहा है और अब लौट के आई हूँ मैं। तो गाइज जो है ना मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे आइसक्रीम खिला दीजिए, तो वही आइसक्रीम लेने के लिए गए हैं और जा कर के फिर आइसक्रीम खा के मैं घर जाऊँगी। और इनका शॉप भी खुलना है, 1 बज रहा, शॉप अभी तक नहीं खुला हुआ है, तो ये अभी मुझे छोड़ के शॉप खुलेंगे। तो मुझे लंच भी बनाना है क्योंकि अभी मैं डॉक्टर के पास दिखा रही थी तो मतलब लंच नहीं बना है और घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, तो अब घर जा कर के मैं घर का काम ख़त्म करूँगी। तो आइसक्रीम नहीं मिली यहाँ पे भी आइसक्रीम नहीं है। चलिए गाइस मैं घर पहुँचती हूँ तब मैं बात करती हूँ। गाइस गुड इवनिंग, क्योंकि जो है ना इस समय 4:30 बज रहा है और मैं 2 बजे लौट के आई थी क्योंकि बीच में मैंने जैसे बताया मुझे आइसक्रीम खाना था, मिली तो नहीं लेकिन जिसे कहते ना बर्फ़ का गोला वो वाला मिला था, तो वो मैंने खाया। उसके बाद थोड़ा सा काम था बीच में वो किया, तो सब करके 2 बज गया था और 2 बजे मैं घर आई। फिर मैंने जल्दी जल्दी लंच बनाया क्योंकि मुझे शॉप में जाना था, मतलब शॉप खोलना था। सुबह हमारे साथ चले गए थे तो शॉप नहीं खुला था, तो इसकी वजह से इन्होंने कहा कि लंच बना दो जल्दी से, तो मैं करके चला जाऊँ। तो वही मैं लंच वगैरह बना के खा के 3:30 बज गया। उसके बाद मेरा थोड़ा सा घर का काम था वो मैंने ख़त्म किया। तो गाइस अब मैं 4:30 बज रहा है और मैंने सोचा कि लो मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग चालू किया था और आज मैंने लंच रूटीन नहीं दिखाया क्योंकि लंच में कुछ खास बनना नहीं था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि दाल चावल बना दो, बस मैं वही खा लूँगा, सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बड़ा बना था तो उसके साथ खो जाएगा। तो गाइस यही सब चाह था, मैंने बड़ा वगैरह और दाल चावल और रोटी इनको दे दिया, उन्होंने लंच करके वो शॉप चले गए और मैं भी फ्री हो गई अब सारा काम करके। तो मैंने कहा कि लो मैं आपसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। और गाइस और बताइए आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और गाइस है ना आप लोग कमेंट्स नहीं करते, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करने से पता चलेगा कि जो है ना आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है और आप लोग अपने हालचाल जो भी बताते रहा करें, तभी हमें भी अच्छा लगेगा आपसे बातें करना। और गाइस जो है ना मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो मैंने कहा लो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि पहले रेस्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गया आप लोग से मैंने बात नहीं की, तो इसलिए मैंने सोचा लो आप भी थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट कर लूँगी। और पता नहीं क्या हो गया है, जब से मुझे है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह से मैं थक बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मतलब आज मॉर्निंग में मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं था, मैंने नहीं बनाया, ये ऐसे ही चले गए, बस रास्ते में गए, मुझे भूख लगी है, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कराया। तो मैंने कहा कि घर में नहीं पाया जो है ना आपने बोला, तो मैं चाय बना लेती हूँ, नाश्ता वगैरह रखा हुआ है तो वो सब कर लेते। तो इन्होंने कहा कि जो है ना मुझे भूख लगी, तभी मुझे याद आया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैंने कहा मुझे ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा है तो आप बाहर ही कर लो आज। तो वही बाहर ही हम लोग ने जो है ना थोड़ा
थोड़ा सा मतलब कि जो है ना जो आता है खस्ता उसको हम लोग ने खाया दोनों ने। और फिर हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर को दिखाने मतलब डॉक्टर को दिखाना मतलब बहुत टाइम लग जाता है। मतलब मेरा पहला नंबर था और मैं आया था 12 बजे के करीब में और डॉक्टर 11 बजे बैठ गई थी। उससे पहले जितना कहते हैं ना कि जो डॉक्टर जो जिनकी रिपोर्ट वगैरह होती है उनको देख के हॉस्पिटल में राउंड लगाते हैं वगैरह वगैरह करके वो जो है ना मुझे 12 बजे के करीब में देखी। तो जो है ना उसके बाद मैं फ्री हुई, वहाँ से निकली। उसके बाद घर आते हुए 2 बज गया था। तो गाइस यही सब चल रहा है और पता नहीं क्यों मैं थक भी बहुत ज़्यादा जाती हूँ आजकल, क्योंकि जरा सा भी काम करती हूँ और थकान से महसूस होने लगती है। पता नहीं क्या हो गया, वीकनेस सी हो गई है मुझे। तो मैंने डॉक्टर से बोला भी था कि मुझे थोड़ा सा वीकनेस से फील होती है, तो डॉक्टर ने उसकी भी दवा लिखी थी और ज़्यादा दवा नहीं लिखी है उन्होंने, सिर्फ जो है ना 2 टैबलेट लिखा है का ये खाइए और 1 मंथ के बाद मतलब आइएगा, जब जो है ना आपका वो जो है ना मंथली साइकिल आ जाए तो उसके बाद आइएगा। तो फिर मैं लेप्टोग्राफी का प्रोसेस चालू करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है और मैंने कहा चलो करवा भी लेते हैं। और मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो मेरी जो राइट ओवरी है तो राइट ओवरी में मुझे सिस्ट हो गया है। जी हाँ, मुझे सिस्ट हो गया है। तो वो सिस्ट मतलब बड़ा हो गया है तो उसको ऑपरेशन द्वारा ही निकाला जाएगा। डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन द्वारा ही वो निकाला जा सकता। करके बस सो गई थी और सो करके मैं उठी हूँ 6 बजे। और 6 बजे के बाद मैं बस बैठी हुई थी, थोड़ा सा मोबाइल में काम कर रही थी अपना। तो गाइस अब जाकर के मैं थोड़ा सा उठी हूँ तो मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि चाय पी लेते हैं, बहुत मतलब शाम हो गई है, 7 बज गया है। तो गाइस मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए और कुछ मतलब मीठा खाने का मन कर रहा है। जब तक गर्मी भोली है तब मैं मीठा घर में, तो थोड़ा सा मीठा भी खा लेते हैं। और गाइस यही सब चल रहा है और मैं थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ और बस यही है। आज थोड़ा मेरा मॉर्निंग से ही मूड ख़राब है क्योंकि बस ख़राब ही है, कुछ बता नहीं सकते क्यों ख़राब है। कहते हैं कि जो रेंटेड हाउस में इंसान रहता है ना तो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बंद के रहना पड़ता है, हर इंसान की बातों को सुनना पड़ता है। मतलब कि अपने ही पोर्शन में वो इंसान अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकता, कोई सामान इधर से उधर नहीं रख सकता, इतना ज़्यादा मतलब इंटरफेयर होता है लाइफ में। तो गाइस यही सब चल रहा है। बस जल्दी मैं भी सोच रही हूँ अपना घर बनवा लूँ क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं कब तक अपना घर बनता है। तो गाइस चलते ही मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मैं चाय पी लेती हूँ। आज डिनर कुछ खास बनना नहीं है, खास क्या बनना है, खास ही बनना है क्योंकि आप 2 दिन से कोई भी खास खाना बन नहीं रहा था। तो मैं आज सोच रही हूँ घुइया रखी हुई है सब्जी में क्योंकि सब्जी नहीं है अपने घर में। तो कल भी रात हो गई थी जिनसे मैंने सब्जी मंगवाया था लेकिन रात हो गई थी और मिली भी नहीं थी अच्छी सब्जी, और राउंड क्लॉक में सब्जी भी अच्छी ठीक नहीं थी तो ये लेकर नहीं आए। तो घुइया ही रखी है तो मैं सोच रही हूँ डिनर में घुइया की रसेदार सब्जी बना लूँ। और इनको बेसन की रोटी बहुत पसंद है तो बेसन भी घर में पड़ा हुआ है तो बेसन की रोटी बना लूँ। तो गाइज़ यही है, चलते हैं। पहले जो है ना मैं चाय पी लेती हूँ फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ। तो गाइज़ शाम हो गई और मैं चाय ना पीऊँ ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने एक फ्राई पैन में पानी मिला डाल दिया है और उसमें मैं शक्कर और चाय पत्ती डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं सब्जी काटने की तैयारी करने जा रही हूँ, तो पहले मैंने सोचा लो थोड़ा सा कुछ मीठा खा लेते हैं, इसलिए रसगुल्ला निकाल कर मैं खाऊँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो पहले मैं प्याज को काट लिया है मैंने, लहसुन को छील के रख दूँगी क्योंकि मैं प्याज लहसुन और मिर्च को महीन महीन पीस लूँगी मिक्सी में। और घुइया को मैं छील लूँगी और मैंने एक कटोरी में पानी ले रखा है और उसमें ही घुइया छील के डालूँगी, जिससे क्या होता है कि घुइया काली नहीं पड़ती है। और फिर इसी पानी से इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे 2-3 बार मतलब पानी ले करके, और फिर मैं जो है ना डिनर की तैयारी करके डिनर बनाने जाऊँगी। और मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ाए रखी है उसमें तेल डाल करके, क्योंकि इसी में मैं घुइयों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी।
गाइस मैं जो है ना बनाने जा रही हूँ डिनर में घुइया की सब्जी। तो घुइया की मैं ग्रेवी वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल चढ़ाने के बाद मैं ये जो घुइया है इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। इससे क्या होता है कि गाइस जो घुइया फ्राई हो जाता है तो उसका पकने में आसानी होती है, और जो घुइया होती है वो जब सीटी लेंगे तो फूटेगी नहीं। मतलब कि जैसे वो घुइया मैं रसे में डालूँगी वैसे ही रहेगी, और घुइया अच्छी तरीके से पक भी जाएगा और स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। तो मैं इसलिए घुइया को पहले फ्राई कर लेती हूँ। गाइस जब तक जो है ना घुइया उधर फ्राई हो रहा है तो मैं यहाँ पे अपने मसाला भून लेती हूँ। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया, कुकर में ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मैं थोड़ा सा मेथी दाना डालूँगी। मेथी दाना इससे डालते हैं कि घुइया बादी होता है तो वो शरीर पे नुकसान करेगा, मतलब स्वेलिंग बढ़ाता है बॉडी में। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जो है ना मेथी दाना डालूँगी जिससे घुइया की बादीपन ख़त्म हो जाएगा। और जब मेथी फ्राई हो जाएगा तब मैं इसके अंदर जो है ना ये जो मसाला मैंने पीस लिया है उसको मैं डालूंगी। तो यहाँ पे ये मेथी फ्राई हो गया तो मैं ये मसाला जो मैंने पीस लिया है इसमें मैंने प्याज लहसुन और मिर्च डाला था तो उसको मैंने पीस लिया तो उसको मैं डाल दूंगी। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो गाइस अब मैं इसमें मसाला डालूंगी क्योंकि मैंने प्याज का पिसा हुआ पेस्ट इसमें डाल दिया, अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो मैं अब इसमें मसाला डालूंगी जो रेगुलर मसाले होते हैं। तो मैं पहले इसमें हल्दी डालूंगी जितनी ज़रूरत हो उतनी, और अब मैं इसमें लाल रेड चिली पाउडर डालूंगी। मैंने इसमें हरी मिर्च पहले से डाली हुई है तो उतनी ही डालूंगी जितनी ज़रूरत है। मैं नमक डालूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी जब थोड़ा सा मसाला पक जाएगा उसके बाद। तो तब तक मैं मसाला फ्राई कर लेती हूँ। मसाला को उतनी देर तक पकाएंगे जब जो है ना मसाला और ऑयल दोनों अलग हो जाएगा, तब तक मैं तो गाइस अब मैं गरम मसाला मिलाऊंगी इसमें। मसाला फ्राई हो चुका है अच्छी तरीके से, तो अब मैं इसमें घुइया मिला दूंगी। इसमें पानी मिला दूं तो गाइस अब मैं इसके अंदर पानी मिलाऊंगी। और उतना ही पानी मिलाऊंगी जितनी जरूरत है क्योंकि हम दो लोग हैं तो ज्यादा ग्रेवी की जरूरत नहीं है, बस इतना ही मिलाऊंगी। और अब ढक्कन लगा करके 2 से 3 सीटी ले लूंगी। गाइस यहाँ पे मैं घुइया की सब्जी के साथ बेसन की रोटी बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बेसन की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी हम मेरे घर में जो है ना घुइया की रसेदार सब्जी या कटहल की रसेदार सब्जी बनती है तो साथ में जो है ना बेसन की ही रोटी खाई जाती है। तो यहाँ पे मैं बेसन की प्योर रोटी नहीं बनाती हूँ, बेसन के आटा जब सानती हूँ तो उसमें थोड़ा सा मैं गेहूँ का आटा मिला लेती हूँ। इससे क्या होता है कि रोटी सेक बेलने में आसानी होती है, और जो बेसन होता प्योर अगर सानो तो उस वो रोटी बनती नहीं है और वो उठाने में फटती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आटा मिला देती हूँ तो इसमें बेलने में आसानी होती है। तो गाइस यहाँ पे मेरी सारी रोटी सिक जाएगी तब मैं हम दोनों डिनर करेंगे। ऐसे क्या होता है कि मैं उनका डिनर निकाल देती हूँ, एक एक रोटी सेक के उनको देती हूँ, और आज उन्होंने कहा कि सारी रोटी सेक लो साथ में बैठकर डिनर करेंगे, और इस वो उनका मन था इसलिए मैंने सारी रोटी सेक ली है, नहीं तो मैं एक एक रोटी सेक के उनको खाना खिलाती हूँ। हमारा डिनर हो चुका है और मैंने बताया है था कि घुइया की सब्जी और बेसन की रोटी, और हम दोनों ने डिनर कर लिया, बहुत टेस्टी बना था घुइया। तो गाइस जो है ना मैं थोड़ा सा अभी टेंशन में भी चल रही हूँ क्योंकि जो है ना जैसे बताया कि मेरी ओवरी में सिस्ट निकला है और उसकी सर्जरी की टेंशन है। वैसे भी ऑपरेशन तो 1 महीने बाद होना है वो भी लेप्रोग्राफी द्वारा, लेकिन कहते ना
टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती कोई भी चीज़ की, तो गैस यही सब है। और मॉर्निंग से मैं टेंशन में ऑलरेडी रहती हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि छोटी सी नोकझोंक हो गई है अपने मकान मालकिन से। देखने में तो बहुत सीधी है, लेकिन चलिए ये सब छोड़िए, किस वजह से हुआ वो मैं बाद में बताऊँगी फिर कभी। तो गैस जो है ना, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई। थक तो मैं खुद ही जाती हूँ, क्योंकि बीमार हूँ तो थोड़े से काम में मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। अब ये कब तक थकान दूर होगी? वैसे भी डॉक्टर ने मुझे विटामिन और कैल्शियम की गोली दी है, अब खाते हैं देखते हैं। तो गाइज जो है ना, यही सब चल रहा है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने, क्या सोऊंगी क्या, अभी मुझे वीडियो को भी जो है ना एडिट करना है। एडिट करने के बाद ही मैं सोती हूँ। आज मैंने एडिट के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं चालू किया है, तो मुझे फुल एक दो घंटे लगना है। ऐसे मैं शाम को ही जो है ना थंबनेल वगैरह बना लेती हूँ। तो जो है ना आज मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि शाम को मेरी जेठानी आ रही थी, तो उनको मतलब गोली मिलने के लिए, तो उनको बस बैठे एक घंटा उनसे बात वगैरह हुई, उसके बाद वो चली गई। तो फिर डिनर वगैरह बनाया, तो इसलिए मैंने कुछ भी बनाया नहीं। कि शाम को ही मैं एडिट करना चालू कर देती हूँ और रात में फुल एडिट कर देती हूँ। एक घंटा आधा घंटा लगता है, फुल एडिट हो जाता है। तो गाइस यही है, अब मुझे दो घंटे एडिट करने में लगेंगे। तो गाइस यही सब चल रहा है, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर जो नए व्यूअर हैं और जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं रेगुलरली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लाइक बनता है, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो लाइक बनता है। और लाइक इसलिए भी बनता है कि थोड़ा सा प्रोत्साहन नए यूट्यूबर को तो देना चाहिए। तो गाइज प्लीज़ थोड़े प्रोत्साहन के लिए लाइक दे दीजिए। और मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और